तो सुबह सुबह आपको मैंने सोचा अच्छा सा कुछ व्यू दिखा देते हैं, है ना। हरा भरा बिल्डिंग है ना, और देख सकते हो सामने अंदर सा व्यू हो रहा है। और आज स्कूल में छुट्टी है क्या? छुट्टी तो वैसे नहीं, अभी तो प्रार्थना चल रही थी। और पानी शायद भर गया है। हाँ, वो पानी भर गया है, अभी बंद कर देंगे नीचे जाके अपन बाल। और देख सकते हो आप चारों तरफ ना, शानदार सा हो रहा मौसम। मौसम कुछ औसम सा हो रहा, मस्त अच्छा सा है ना। और पीछे घर भी रेडी हो गया बन के। एक हॉल दिख रहा है, उसमें पीछे बेडरूम एक दो तीन चार कुछ हैं, इसके चार बेडरूम, तीन चार कुछ बेडरूम है इसमें। और किचन विचन सब है। और बस तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दी अनादर व्लॉग एंड अनादर एपिसोड। तो हाँ, टॉपिक स्टार्ट करने से या व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको कहेंगे यार, चैनल पे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। करो यार, रोज के एक दो भी होंगे ना, जो जैसे कि अपने अनसब्सक्राइबर लोग देख रहे हैं, जो अपने सब्सक्राइबर नहीं है वो भी देखो। और उन बच्चों की बात कर रहा था ना कल, वो वहाँ पे खेल रहे हैं ना, उन बच्चों को खेल रहे देखो, उनके माँ बाप ना कोई स्कूल भेज रहे, कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट स्कूलें खोल रखी है गवर्नमेंट ने तब भी, तो क्या कर सकते। मैं इनकी ही बात कर रहा था कल, कुछ पढ़ी नहीं बच्चे, यहाँ पे बंगार भी नहीं थे इधर पीछे, है ना। तो कोई ऐसे NGO वाले कोई हो जो पढ़ाते हो, वो कुछ देखते हो, तो आप मेरी लोकेशन पे आके या इनके घर वालों से बात करो यार, है ना। ना कर दिया उन्होंने, ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी मेरे लिए तो भूल गया, यहीं ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी, कॉफ़ी भूल गया देखो ये, है ना, बिना कॉफ़ी के ऊपर चला गया, फिर याद आ गया कॉफ़ी तो रहेगी। ब्लैक कॉफ़ी पिए किसी ने? तो बस अब अपन नहाएंगे, नहा के अब कुछ अर्जेंट काम आ गया है, आपको पता है अपने काम अर्जेंट ही आते हैं फट से, ऐसा नहीं एक भी दिन शांति से बैठने मिले। तो चलो कोई बात नहीं, काम जीवन का एक हिस्सा है, और दुख भी जीवन का एक हिस्सा है, और सुख भी एक जीवन का एक हिस्सा है, तो सब चलते रहते हैं, उसकी टेंशन नहीं लेने की। और पीछे बारिश में भी काम चल रहा है, अंकल काम कर रहे हैं। और देख सकते हो आप अशोक गहलोत सर की अपने पहन रखी टी शर्ट उन्होंने, तो चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, जो अपने पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो चलो राजनीति से हट के बात करेंगे अपन, अब चलते हैं अपन, मार्केट जाना है, तो मार्केट नहीं जाना, सेक्टर में जाना, कुछ बैंक का काम है, वो बैंक का काम करना है, तो वो करके आता हूँ मैं। और GoPro इसलिए नहीं लेके जाऊँगा कि मौसम ख़राब है और बारिश हो रही है ना भयंकर की, और अब ये GoPro इतना बड़ा हो गया है कि मैं जेब में डाल के, और बैंक में जाना है ना, तो बैंक में ये चीज़ें लेके शायद नहीं जा सकते, तो अपन नहीं ले जाएंगे। और कुछ होगा तो बैंक के बाहर का ऐसा कुछ होगा तो अपन वीडियो बना लेंगे फ़ोन से, है ना, फ़ोन से बना लेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं। वो देखो छोटा बच्चा चिल्ला, बारिश में भीग गया करके चिल्ला रहा छोटा बच्चा। बस रेडी हो रहा हूँ, और क्या भाई, अच्छा तो बस रेडी हो रहा हूँ, और अभी जा रहा हूँ बैंक, बैंक में काम करके आते हैं, अपना काम जो है वो निपटा के आते हैं, और बाल बाल एक बार बना लेते हैं अच्छे से। समझ नहीं आ रहा, जूते पहन के जाता हूँ, जो अपने जिम पहन के जाते हो, बाकी जो अपने नए वाले जूते नहीं यूज़ करूँगा, है ना, बारिश में खराब होते हैं, धागा खुलता है ना जूतों का गीले हो गए, जिम वाले क्या पुराने हो गए, तो वो जूते पहन के जाएंगे बा। एक पर्स ना भूल दूँ ATM तो लफड़ा हो जाएगा, ATM भूल जाऊँगा, तो अपन आ गए थे, है ना, अपन आ गए थे, आधा घंटा हो गया, और वहाँ पे भी आधा घंटा 45 मिनट लास्ट काम था, हो गया कंप्लीट। और इसमें रखी अपन दाल से डायरेक्ट बना ली है, इसको कटर में निकाल लेंगे, इसमें रख देंगे चावल, है ना, और फटाफट खाना खाएंगे, भूख लग गई है ना, भूख लग गई। और बाहर अच्छी तेज़ बारिश आ रही है, जब मैं वहाँ पर था तब बारिश स्टार्ट हो रही थी, और अभी भी गया तब भी बारिश हल्की हल्की स्टार्ट थी, तो पहुँच गया। और फिर वहाँ से मैंने थोड़ा सा लिया था वीडियो, तो वो आपको इससे पहले मिल ही जाएगा। तो बस, तो
तो सेक्टर 6 गए थे अपन, है ना, सेक्टर 6 गए थे, सेक्टर 6 वाली ब्रांच में गए थे। तो चलो फिर मिलते हैं। अभी जस्ट जिम से आया हूँ मैं, है ना, अभी जस्ट जिम से आया हूँ। जिम से आने के बाद अभी अपन बनाएंगे। अभी अपन बनाएंगे बनाना शेक, है ना। और कल संडे है तो कल थोड़े कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, बारिश आए कुछ भी है, एक बार धोने पड़ेंगे। पंखे में भी सुखाएंगे पर सुखाने पड़ेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे हो गए तो धो नहीं पा रहा हूँ कपड़े, क्योंकि बारिश ही आ रही है। ढंग की बारिश नहीं आ रही, मतलब फुहार फुहार आ रही, तो सुखा ही नहीं सकते, धूप तो आ ही नहीं कितने दिनों से, है ना। तो चलो एक बार नहाते हैं और सब करते हैं, बनाना शेक बनाते हैं, सब कर करा के फिर मिलते हैं आपसे, है ना। तो डाइट वाइट अपने ले ली है और अब बनाते अपन खाना, है ना। खाना वाना बनाना स्टार्ट करते हैं। और बस ये क्या कीड़े वीड़े कैसे आ रहे हैं? कीड़े तो नहीं, मतलब जो वो तितलियाँ होती है ना, फूदे फूदे बोलते हैं वो, अपने इधर वो आ रहे हैं ना। तो चलो कोई नहीं, इसको बंद कर देते हैं और जो कचरा इधर अपने जो डब्बा है उसमें उधर डस्टबिन में डाल देते हैं और फिर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। सोच रहा हूँ ये बैंगन ही बना था, मुरझा के बैंगन भी कल परसों ही लाया था। चलो बैंगन बना लेते हैं, 3 बैंगन है और अंडे बॉईल रख देते हैं और फिर 3 बैंगन भुर्जी और रोटियां बना लेता है ना, फुल डाइट वाला काम करेंगे, है ना, पूरी प्लानिंग के साथ खाएंगे अब हर चीज़ और पूरा अच्छा सा डाइट प्लान रखेंगे और अच्छी सी बॉडी बनाएंगे और हेल्थी रहेंगे। तो बन रहा है अपना खाना, है ना। इसमें है बैंगन भरता, है ना, इसमें है ऑमलेट अपने मतलब भुर्जी बन रही है और ये है मस्त देसी घी वाली रोटी और कुछ इसमें ये मैंने कड़क करने के लिए रखी है। मैं थोड़ी सी कड़क रोटी एक फिक्स है, मैंने खाता ही हूँ मैं। तो चलो खाना वाना खाते और फिर मिलते हैं। और अभी अपन CID देख रहे हैं ना, तो कुछ देख रहा था चालू हो गया, मैं कहा देख ही जा रहा हूँ और थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, मैं कहा चलो, है ना। तो चलो मिलते थोड़ी देर में। तो खाना वाना खा ले अपन ने ना, खा के अब रेस्ट करेंगे, रेस्ट करके फिर सुबह जल्दी उठना भी है तो उठ जाएंगे सुबह जल्दी और उठ के जो भी अपने काम रहेंगे वो करने हैं। और कल थोड़े कपड़े भी धोने पड़ेंगे, बारिश तो बारिश बट पंखे में भी सुखाने पड़ेंगे, कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो गए। तो अब चलो देखते हैं कैसे क्या है कल का। तो चलो बाय, गुड नाइट। तब मिलता है अपन नए ब्लॉग के साथ, ठीक है। चलो बाय, गुड नाइट।